आपको सुपर स्टोर वगैरह से बहुत महंगी आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से घर में मौजूद चीनी से ढेर सारी आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर बनाकर स्टोर कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने 1 कप चीनी ग्राइंडर जार में शामिल की है। अब यहाँ आपको चीनी पीसने के तरीके को ठीक से फॉलो करना है। तकरीबन 4 सेकंड मैंने चीनी को पीसा है। इसके बाद इस तरह शेक करना है और फिर दोबारा 3 से 4 सेकंड पीसना है। फिर इस तरह शेक करना है और फिर दोबारा 3 से 4 सेकंड पीसना है। चीनी को मैंने तकरीबन 10 से 12 सेकंड हाई स्पीड पर पीसा है। इससे ज़्यादा नहीं पीसना, वरना तमाम की तमाम चीनी पाउडर बन जाएगी। पिसी हुई चीनी को मलमल के कपड़े से छानना है, तो ये मैंने बोल लिया है। बोल पर इस तरीके से रबर बैंड की मदद से मलमल के कपड़े को फिक्स करना है। अब इस तरीके से मलमल के कपड़े पर पिसी हुई चीनी डालते जाएंगे और इस तरह से चमचे की मदद से चीनी को छान लेंगे। इस तरीके से पिसी हुई तमाम चीनी को छान लेना है। इस प्रोसेस से पिसी हुई चीनी में मौजूद आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर अलग-अलग हो जाएगी। जो बोल में ट्रांसफ़र हो रही है वो आइसिंग शुगर है और जो मैं ट्रे में डालती जा रही हूँ ये कैस्टर शुगर है। लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइसिंग शुगर का एक प्रोसेस बाकी है जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। ट्रे में मौजूद शुगर परफेक्ट कैस्टर शुगर बनकर तैयार है, जिसे इसी तरह एयर टाइट जार या कंटेनर में ट्रांसफ़र करके स्टोर कर लेना है। बोल में मौजूद पाउडर शुगर को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करना है। पाउडर शुगर में 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से आइसिंग शुगर आपस में जुड़ती नहीं है और पाउडर फॉर्म में ही रहती है। अब इस पाउडर शुगर को कॉर्नफ्लोर के साथ मज़ीद 10 से 12 सेकंड पीसना है। बीच बीच में 1 से 2 बार इस तरह शेक कर लेंगे। आप इस सेम प्रोसेस से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये परफेक्ट आइसिंग शुगर बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, घर में आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो आप इस तरीके से आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर बनाकर स्टोर कीजिए। अब आपने आइसिंग शुगर को और कैस्टर शुगर को और कोई भी ऐसी पिसी हुई चीज़ जिसमें नमी आ सकती है, नमी से बचाने के लिए इस तरह मलमल के कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में 1 टीस्पून चावल डाल के इस तरह से पोटली सी बना लेंगे और इस चावल की पोटली को इस तरह आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर में रख के एयर टाइट कर देंगे। आप किसी भी चीज़ को नमी से बचाने के लिए इस तरह सिलिका जेल के पैकेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी मिल जाते हैं। आपने आइसिंग शुगर को और कैस्टर शुगर को किचन कैबिनेट में स्टोर करना है। अगर आपको आइसिंग और कैस्टर शुगर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।